ओम शांति, ओम शांति, वंडरफुल। जयंती में देखिए सभा, सुदेश में देखी जयंती, वंडरफुल। आह कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। आह इस सप्ताह में कौन आए हैं, इस सप्ताह में कौन आए हैं, हाथ उठाओ। ऐसी कौन आए हैं, शीलू बहन मैंने आपका वो सुना ही नहीं पड़ता। अच्छे चा 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 इतने इतने ढेर ढेर ढेर। उनको ट्रांसलेशन मिले हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से उनकी भाषा। पर मेरा आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ा ना मेरा तेरा। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा है, मधुबन में मेला लगता है। बाबा के बाद आए हैं वो पूछे, बाबा के बाद आए हैं वो उनसे वो पूछे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जाने वाले तो नहीं है, एक दो कल जाने वाले होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दादी पूछ सकते हैं सबसे अच्छा। दादी पूछ सकते हैं, जो बाबा के बाद आए हैं वो हाथ उठाएं। बोलो। हाँ जो बाबा तो कल परसों आए हैं, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा के बाद आए हैं, जिन्होंने मुरली नहीं सुनी वो हाथ उठाएं। अच्छा ये है जो बाबा के होते थे हाथ उठाओ, जो बाबा के होते थे वो होते वो हाथ उठाओ, जो शिव जयंती जो थे शिव जयंती पर बाबा के मिलन के लिए ये सब थे। हाँ, थे 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 थे। हाँ। ये रहेंगे फिर मैं समझती हूँ। अभी जाने वाले कौन है, दो दिन में, दो दिन में कौन जाने वाले हैं, ये सब जाने वाले हैं। थोड़े है थोड़े है थोड़े तो। अच्छा बैठे रहो, भले बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा टोली भी खिलाऊंगी, ब्लेसिंग भी देंगी। हाँ बाकी थोड़े समय में क्या सुनाऊं, बाबा कहता है खुशी का खजाना इतना है, इतना है, बराते जाओ बांटते जाओ बराते जाओ, बस बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का खजाना है तो खुशी बहुत है। क्यों खुशी ज्ञान से बहुत होती है, क्यों देने वाला जो है ना ऊंचे तो ऊंचा है, इसलिए खुशी बहुत है। वो सुनाता जो है ना ऐसे सुनाता है, जी चाहता है जो सुनाता है ना वो मैं कर लूं, असल कर लूं। तो मुझे कल निर्वय भाई ने एक बात की, गुलजार दादी से कल रात को रुआ जान हुई थोड़ी मेरी, अच्छी तरह से पुरुषार्थ के बारे में रुआ जान हुई। तो मैं आप लोगों को वंड विराज सिख पाए, सिंधी में कहते हैं ना, सिंधी है ना शब्द, वंड विराय सुख पाए, जान बांट के खाओ तो सुख बहुत है। तो मुझे और बातें तो कुछ है आती नहीं है करना, न सुनना न सुनाना, बाकी मीठे मीठे बाबा की बातें जो सुनती हूँ अंदर जो अच्छी लगती है, तो कोई सुनने चाहता है तो शेयर करने के बगैर रह नहीं सकती हूँ, दिन हो चाहे रात हो। तो गुलजार दादी से अच्छी अच्छी बातें होते होते मैंने देखा मुझे कौन सी बात पर अंडरलाइन दादी कर रही है कुछ, तो दिन में निर्वय भाई ने उसे कहा तुमने बहुत समय तपस्या की है ना तभी सेवा। मैंने कहा ये नहीं कहो तपस्या, मैंने तो कुछ नहीं की है, मैंने कुछ तपस्या नहीं की है, तपस्या तो बाबा ने की है। हमारे ब्रह्मा बाबा को देखो तो सही ना, जाकर के बाबा के रूम में देखो, चाहे टावर ऑफ पीस में देख, चारों धाम की यात्रा का इतना बल है फल है। क्या पांडव ने पांव रखो तो बाबा की ब्रह्मा
ओ अबे बाबा बाप दादा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं। हम पांडव वन में कहती है हमारे बाप ब्रह्मा बाबा की तपस्या। बिल्कुल झोपड़ी में देखो, बाबा के रूम में देखो। तो आज जो बाबा ने अशरीर की मुरली चलाई ना, क्या आज की मुरली थी, जो आज के मुरली को मनन चिंतन करके आत्मानी स्थिति बनाने का आज भी पुरुषार्थ करे ना, बस पास आनर्स में आ सकता है। आज की मुरली वंडरफुल, एक एक मुरली वंडरफुल है। पर जैसे बाबा ने शिव जयंती की मुरली चलाई, उस दिन सवेरे भी मुरली सुनी, अव्यत मुरली सुनी, आज भी सुनी। अभी सुनते सुनते शरीरपन का अभ्यास करते रहो, तो अभ्यास की जरूरत नहीं है, पर बुद्धि जो पुल होती है ना, जो नॉलेज पुल, नॉलेज है पर पुल हो रही है, नॉलेज फुल नहीं है। फुल नॉलेज क्या कहती है, मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, घर जा रही हूं, बस फिनिश। जो कुछ है सफला कर दो, कुछ मेरा नहीं है। सफेद कपड़े है, हाथ खाली है, कुछ नहीं है, आत्मा उड़ रही है। सफेद कपड़े है, कोई रंग बिरंगी कुछ भी नहीं है, न टोपला है न टोपी है, कुछ नहीं चाहिए। आजकल का ताज भी नहीं तो गांधी टोपी भी नहीं, ऐसे अच्छे हैं हम, बिल्कुल अच्छे, समझा, हल्के हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं। यह अच्छा, तभी बाबा ने हाथ लगाया ना, फिर से खुशी हुई ना सबको, ऐसे जयंती बहन खुशी हुई, ऐसे कितना ऐसे प्यार प्यार हाथ लगे थे। तो क्या है, जिसकी बुद्धि थोड़ी पुल होती है या कोई भी कारण से बुद्धि कान जाती है ना, तो सिर पर ऐसे हाथ नहीं महसूस नहीं होता है। तो मेरी दिल कहता है, मैं इसलिए खींच से भाग के आई, अच्छा लगा सारी सभा को देख, आप सबका भी जी चाहता होगा। बाबा ऐसे ऐसे कर ठीक है, कितना अच्छा है। ऐसे बाबा अगर प्यार करे तो शरीर का भान कहां रहेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ब्रह्मा बाबा कहे शरीर मेरा नहीं, शिव बाबा कहे मेरा नहीं, शिव बाबा कहे ये शरीर मेरा नहीं, ब्रह्मा बाबा कहे मेरा शरीर नहीं। हम तो अच्छे हैं, दोनों कहते माँ बाप मात पिता तुम बच्चे मेरे हो। किसको कहा, आत्मा को शरीर में होते कहा, ये नहीं कहा शरीर में होते का बच्चा तू मेरा है। बच्चा किसको कहा, इस शरीर में मैं जो आत्मा हूं ना, मर गई हूं ना, वहां से नया जन्म मिला है ना, तो बच्चा बड़ा प्यार से बाबा कहता है। वो बाबा प्यार से जो बच्चा आत्मा को जो बस भासना आती है ना, भासना मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ब्रह्मा मुख के गीता ज्ञान सारा सुन रही हूं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा निकला ये हमको पता चल गया। कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, मैं भी बन रही हूं। ये नॉलेज जो है ना, वो इतनी अंदर 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 चली गई है, पूछती हूं अंदर चली गई है या कुछ बैरी उल्टी हो जाती है। कभी कभी सुनते हैं अचानक उल्टी आ गई, उल्टी क्यों हुई,
कुछ कुछ गड़बड़ हो गई यहां, तो ज्ञान कभी कभी उल्टी कर देते हैं, सिक हो जाते हैं। क्यों? अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ, तो कुछ कुछ अंदर रखने से ज्ञान हजम नहीं होता है। तो पहले अंदर ज्ञान को अंदर हजम करना, हजम करने की भी शक्ति चाहिए। मुझे कोई कहानी सुनाई थी, मैं कहानी वो जो कहानी के रूप में नहीं सुना सकती हूं, परंतु उनका कहानी का मतलब था, आंखें न हो तो भी कोई काम का नहीं, मनुष्य को कान न हो तो भी काम का नहीं, मुख न हो तो सब सब अंग जो शरीर के है ना, शरीर के अंग, ये हाथ भी है ना अपना काम करता है, पांव भी है अपना काम करता है, पांव हाथ का काम नहीं करेगा, आंख मुख का काम नहीं करेंगी, करेंगी? हर एक कर्म इंद्रिय अपना काम करती है। पेट दिखाई नहीं पड़ता है, हंसी में पेट दिखाई नहीं पड़ता है, पर पेट कितना काम करता है, कर्म इंद्रियां तो काम करती है। तो उनका मतलब पेट कहता है मैं तो कुछ काम नहीं करता हूं, आप तुम क्या काम करते हो, काम तो कर्म इंद्रियां करती है। अरे पेट में खाना न जावे, हजम न होवे, शक्ति खून न बने, ये कर्म इंद्रियां कैसे काम करेंगी? हंसी में कोई अच्छी कहानी सुना रहे थे मेरे को हंसाने के लिए, कहीं कहीं थोड़ा प्रोग्राम बनाते हैं इसको हंसाएं थोड़ा, तो हंसाने के प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैं भी कहती हूं कहानी कोई मतलब की होती है तो अच्छी क्यों ना सुन ले। मैं तो अंदर ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता कैसे हजम करता है, अंदर बड़ा काम करता है, बहुत काम करता है। तो मैं अभी सुनाने का मेरा कहने का मतलब है, किसका अंदर काम करता है ज्ञान, जो शक्ति, नया खून, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी, पीला पीला शिकल कभी ना हो, ज्ञान है ना, सच्चा ज्ञान है ना, सुनाने वाला मेरा सच्चा बाप है ना। तो बाबा ने क्या किया, बाप शिक्षक सतगुरु, पराई भी है, पालना भी है, वरदान भी मिले हुए सतगुरु के। तो कभी देखो कितनी पालना, ऐसी जैसी हमको ब्राह्मणों को पालना मिलती है दुनिया में, कोई को ऐसी पालना, पर सारे कल्प में हमको ऐसी पालना नहीं मिली। हमको तो लगता है सत्युग में जाएंगे पर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार होंगे, पर अभी तो जो भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा तो खिलाता है ना, अच्छी तरह से प्यार से बैठ के सुनाता है ना। भले पुरुषार्थ नंबर वार करते हैं पर बाबा उम्मीदें बहुत रखता है, उम्मीदें इतनी रखता है, बच्चे भले ना उम्मीद हो जाते हैं पर बाबा उम्मीदें बहुत रखता है। दूसरी बात, जो बाबा ज्ञान को यूज करो, अच्छी तरह से यूज करो, चबार के खाओ, सो अच्छा है, टेस्टी है, वो नहीं, ये बरस होता है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, पर अंदर हजम करो। इसलिए 32 दांत होते हैं खाने को हजम करने के लिए, 32 दांत होती संभल के बोलने के लिए, हाँ संभल के बोलो, थोड़ा दिल से प्यार से खाओ, अच्छी तरह से धीरे 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 खाओ, जल्दी जल्दी नहीं खाओ। ब्रह्मा बाबा ने हमको खाना खाना भी सिखाया, जल्दी जल्दी नहीं खाओ, या शुक्ल ऐसी बीमार समझ के नहीं खाओ, ऐसे खाओ। खाना खाना भी सिखाया है, तंग पानी पीना भी सिखाया है, कभी बाबा खरे पानी नहीं पिएगा, बैठ के पानी गिला पिएगा, धीरे धीरे पिएगा। बाबा को चाय पीता हुआ नहीं देखा है,
दूध पीता हुआ देखा है, शाम को थोड़ा सूप पीता हुआ देखा है, ऐसे पिएगा। शिव बाबा जैसे रथ के, ये रथ शिव बाबा का है इसलिए इसको इससे संभालना है। तो हम क्या समझें, आत्मा इस शरीर में हूं पर ये आत्मा स्तन में बाबा की शिवार्थ हूं। मेरा पर्सनल आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, भविष्य अच्छी प्रारब्ध बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की जो समझ दी है इसलिए मैं शरीर में आत्मा हूं। सुना, एक तो याद में ऐसे रहे, माम एकम, मन है भगवान की, दूसरा कोई याद ना आए, न कोई मेरे को याद करे, खबरदार को मुझे कोई याद करे। ये बाबा ने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने सुनाई है ये बात, पर आज रिपीट करती हूं। जब मैं ज्ञान में आई, फट से बाबा को याद करना, इतना ऐसा याद ऑटोमेटिक, पुरुषार्थ के बिगर, मैं आत्मा हूं बाबा की, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। खुशी बहुत हो गई, मैं बाबा के पास आ गई। 1.5 साल के बाद थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ी खुशी कम। तो मामा को बोला, मामा खुशी थोड़ी कम हो गई है। मामा ने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा मामा मैं कहती हूं ना मेरी खुशी कम हो गई है। मामा समझे नहीं मामा मेरी बात। फिर बाबा के पास बैठी, बाबा मेरी, आप तो थोड़ी कहते हो बाबा मेरी खुशी कम हुई है, मैं तो असल बहुत बाबा के पीछे पर के, मम्मा के पीछे, मम्मा के पीछे पर, मेरी खुशी कम थोड़ी हो गई है ना। फिर बाबा ने बिठा के दृष्टि दिया अच्छी तरह से, तो आप ऐसे नहीं करते हो, मेरे को कुछ भी होता है ना, हुआ है ना, अभी कुछ होता है ना, बाबा को बोलती हूँ, दादी गुरुदेव पास जाती, कुछ कुछ ठीक हो जाए, मच्छर मक्खी भी क्यों छोड़ू भागो, मैं बाबा की रॉयल बच्ची हूं ना, कुछ ना। तो बाबा ने मुझे कहा, फिर मैंने समझ लिया, तुम जो भाग के आई हो ना मित्र संबंधियों को, तो तुम्हारा उनमें मोह नहीं है, उन्होंने कहा तुम्हारे से मोह नहीं छूटा है। समझ गई, तुम्हारा मोह नहीं है, तुमने तुम मोह को खत्म किया, उन्हों का तुम्हारे में थोड़ा मोह है, वो तुमको खींचता है, इसलिए तुम्हारी खुशी गुम हुई, कम हुई है। बस अपन को जैसे आज की मुरली में तुम मरी नहीं हो जानकी, तभी तुमको याद करते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के जो कल बाबा के मुरली में कहा किसको दुख नहीं देना, मैं नहीं समझती हूं किसको दुख बचपन में भी नहीं दिया था। किसी को भी कुछ चाहिए ना सेवा में, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के, उनको सुख दिया होगा, और पैसा कभी बाप का भी कमाया हुआ नहीं खाया, अपन मेहनत से खाया। 7 साल की उम्र में ही हाथ से काम करना, कुछ न कुछ करना, सिलाई का काम, फलाने का काम, पकाने खाने पकाने का काम, कुछ न कुछ करते रहे हैं। तो मेरे पर किसी के कर्मों का बोझ न हो, परंतु सूक्ष्म जो आज बाबा ने कहा, कोई भी अच्छा है या बुरा है, बाबा ने सब अच्छे के खींचे, भाई इसकी वाणी बड़ी अच्छी है, इसका आवाज बड़ा मीठा है, इसका फलाना अच्छा है। जिस घड़ी गए ना तो देहधारी का लगाओ ईश्वर का बनने नहीं देगा, दुश्मन है। खुशी तो आएंगी नहीं, बल बाहर से मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएगा, अंदर की खुशी नहीं होगी, ला के विरुद्ध है, ईश्वरी ला के विरुद्ध है। उसको
अपन को समझता है मेरा योग अच्छा है, पर योग लगता नहीं है। बस योग माना माम एकम भगवानो वाच। तो आत्मा जो शुद्ध शांत जैसे घर से आई शरीर में चमकता हुआ स्टार, जो बाबा ने कहा सूर्य चंद्रमा नौ लख तारे करोड़े आत्माएं हैं, उनसे बिन जो भी आत्मा बाबा बाबा करती है, बाबा कहते ये तो मेरी आत्मा है, मुझे मेरी याद बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पर बाबा को अच्छा लगेगा, ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगेगा जो मेरे साथ चले पर मेरे साथ आए। भाई हम भी कहेंगे हाँ बाबा मैं आपकी संगी आएंगी, ऊपर चलेंगी बाबा आपके संग चलेंगी। तो हाथ बाबा के साथ जाने के लिए तो जैसे निर्भय भाई ने ये कहा, कल गुलजार दादी से रुआ जान करते, मैंने कहा दादी ये अंदर से ये यही संकल्प है राइट है, मैं रोज रात को सोते समय सुबह उठते बाबा अभी मैं शरीर में आत्मा जो आप करा रहे हो ना आत्मा को करना है, पर अब मान कि मैंने ये किया या मुझे करना है, न करने की चित्ता है न कर किए का अपमान है। ऐसे अगर आत्मा अपने आप को अटल निश्चय अखंड स्थिति खंडित नहीं मूर्ति बन चाहिए ना, निश्चय इतना निश्चय में बल जो है ना वो पर्सनल आत्मा को मिलता है, पर और आत्माएं जो संग साथ है ना संग उनको भी बल काम आता है। अब ये जो सेवा है ना सेवा तो बहुत हो रही है, अभी सेवा में इतनी शक्ति सब आत्माएं में जहां निमित्त है ना उनमें शक्ति आ जाए, में से देने वाला बहुत अच्छे बाबा के बच्चे पैदा हो रहे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिन हम बच्चों ने बाबा से इतनी प्यार भरी डायरेक्ट पालना ली है, बार बार अंदर से आवाज निकलता है 32 साल साकार बाबा की, 40 साल अव्यक्त बाबा की, अब 73 years हो गया है। तो ये शिव जयंती और मुख्य बात हमारी मुख्य दो अनन्य बहने 40 साल से 50 साल से सेवा करने वाले, कल एक ने सरी छोड़ा आज दूसरी ने सरी छोड़ा, हमारी निर्मला बहन जयपुर वाली ने आज सवेरे सरी छोड़ा, हमारी सुंदरी बहन ने कल सरी छोड़ा, परसों शाम को शिवरात्रि मनाई है, झंडा लहराया है, सबको टोल के काट के टोलियां खिलाई है, रात को कुछ हुआ कार नहीं आई उसकी ओपनिंग भी की है, रात को थोड़ा हुआ 4:45 फोन आया कुछ तबियत ठीक नहीं है, 5:45 फोन आया चली गई ठीक है। और हमारी निर्मला बहन इतनी पुरानी बाबा की बच्ची आज सवेरे उसका संदेश मिला, तो देखो बाबा ने कहा है एवर रेडी रहो अचानक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसके लिए क्या है, बहुत काल से सच्ची दिल से बाबा को याद करने वाली आत्मा वो अपने आप को देखे अपन को देखे, जो बाबा ने कहा तन में बैठी हूं पुराना तन ये, मेरे से एक लिखवाया है कुछ भी शरीर को होवे पर मैं बीमार हूं ये कुछ रोग ना 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 ना, बाबा ने कहा रोग क्यों लग जाता है, कुछ बुद्धि पुल होती है पर निमित्त पुराना शरीर है, थोड़ा बहुत कुछ हट जा नहीं है, चार प्रेम से चलाओ अच्छी तरह से, इमानत है बाबा की
अपनी अटैचमेंट जरा भी शरीर में न आए। दूसरी बात, किसी के प्रभाव लगाव या किसी के नफरत जरी भी होंगी ना, आत्मा शुद्ध शांत नहीं होंगी, बाबा की काम की नहीं होंगी। कम से कम भगवान को भेंट रखे, मैं आत्मा शुद्ध शांत होकर के भगवान के आगे बैठूं, और कोई भारी मेडिटेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, शुद्ध शांत होकर के बाबा के सामने बैठ जाओ। सहज है, बड़ा सहज है। क्या करें, कैसे करें, या कुछ कुछ भी जरी सी भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, भाई कभी क्या ये देखते रहे, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, बाबा ने मुझे कह दिया था, क्यों देखा? तो क्या दर होता है? तो अपनी कर, तो ब्रह्मा बाबा की तपस्या को याद करते हैं ना, अपना ऐसी स्थिति, सारे चक्कर लगाए पांडव भवन में, दो दो चक्कर लगाए, सब भंडारे को भी देख रहा है, बच्चों से मिल रहा है, मूली चला रहा है, पत्र भी लिख रहा है, पर पत्र भी मेरे से कौन लिखवा रहा है, कौन लिखवा रहा है? इतनी स्मृति में रहने की ऐसी अपन में आदत डालनी चाहिए जो बाबा भी कहे मेरा ये लायक बच्चा है। नष्टो मोहा, कहां भी बच्चे की मोह नहीं है ना, अभिमान नहीं है ना, अच्छा ये मेरा सुपात्र बच्चा है। तो आज बाबा ने कह दिया साकार मूली में, नौरतन में कौन आएंगे? मामा को भी याद नहीं करने का है, उसने भी उनसे पाया ना, दी उपलट की रहे, जानना है ना, चे निमित मात्र आवे। अभी आज ये भावना पूर्वक आप लोगों से दिल की भावना शेयर करती हूं, आप स्वीकार करेंगे तो मेरी अंदर से खुशी और बढ़ती है। खुशी तो बढ़ाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, खुशी बढ़ाना तो मैंने दादी को कहा, बाबा जब लास्ट में दृष्टि देता है कुछ कहने चाहता है, पर मैं समझती हूँ शायद बाबा को और शक्ति ऐसी भरने, तो ये आत्मा कुछ कुछ क्या रह न जावे, जो करना है वो कर ले। ये भी संगम पर ऐसे है ना, क्या करने का है, जो कुछ करना है कर ले। कल किसने देखा, कल कल जो देखा जाएगा ना, अच्छा देखा जाएगा, और हम करेंगे सब करेंगे। ये तो इतनी अच्छी बात है, किसी को भी न देखो न सुनो, लेकिन हमको जो करना है सो कर लो। उसमें बाबा कहता है मैं तुम्हारा साथी हूं, सुना? मैं कहूंगी ये भी करे ना, ये भी, इसका भी फिक्र करूं, इसका भी फिक्र करूं, बाबा साथ नहीं देगा, नहीं कहेंगे हां तुम करते हो अच्छा, मैं साथी हूं, अकेली नहीं हो तुम, साथी, मैं साथी हूं, मैं साथी हूं। बाकी भी बाबा ने ऐसी दिल ले ली, 90% तुम करो, 10% बाकी मैं करके तो पूरा कर दूंगा। इतनी अच्छी पास खातरी करता है, बाकी मैं 50-50 कर दी क्या करेगा? जोर से पुरुषार्थ कराता है, परंतु 50-50 कर बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बाबा ने दो टाइटल दिए थे, एक बेबी बुद्धि, जल्दी अपसेट हो जाए तो बेबी सिटर बाबा को थोड़ी बनना है, सारा उम्र बेबी का चलाना है क्या, कब तक? तो आज बाबा ने कहा किसको कुछ कहता हूं, कहते हैं तो थोड़ा गुस्से हो जाते हैं, इसलिए मैं प्यार से चलाता हूं। ठीक है, बेबियों को प्यार से चलाएंगा,
दूसरे 50-50 अधूरे, जो कर योग भी अधूरा, सेवा भी अधूरी, और सबके साथ संबंध भी अधूरा, किसके साथ बनेगी किसके साथ नहीं बनेगी, ऐसे अधूरों को क्या करेंगे बाबा। तो तन मन धन संबंध में सब में फुल। अच्छा ओके ओके थैंक यू, ठीक है, ये अच्छी सभा सुंदर सभा में बाबा ने खींच के लाया। ओम शंकर, आज गिनती किया 9 झंडा लहराए हैं, कल बाकी 10 पीस पार्क में झंडा लहराएंगे, पता है 9 झंडा लहरा लिया है। ज्ञान यहाँ पहले पांडव भवन में, पहले मनमिनी वन में, फिर पांडव भवन में और म्यूजियम में, फिर ज्ञान सरोवर में, फिर हॉस्पिटल में, फिर नीचे 2 हॉस्पिटल में, और फिर हमारा शांतिवन में और संगम भवन में, कल यहाँ पीस पार्क 10 बारी झंडा लहराया। कितनी कमाल की बात है, झंडे लहराते जाओ तंग हमारे दिल में झंडा ऐसा लहराए जो दुनिया देख करके खुशी का झंडा लहराए। ओके ओम शांति।